टीम इंडिया पर मंडराया वर्ल्ड कप से बाहर होने का खतरा, अगले मैच से पहले सामने आया ये संकट। तो दोस्तों क्या है पूरी खबर बताएंगे इस वीडियो में, सब कुछ पूरी डिटेल में। लेकिन दोस्तों अगर आप भी चाहते हो टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप जीते तो वीडियो को लाइक जरूर करें। दोस्तों रविवार को भारत और दक्षिण अफ्रीका के बीच T20 मुकाबले में दक्षिण अफ्रीका ने भारत को 5 विकेट से शिकस्त देते हुए भारत की जीत का सिलसिला रोक दिया था। इसी के साथ दक्षिण अफ्रीका की टीम ने पॉइंट टेबल में भी भारत को पछाड़ते हुए शीर्ष स्थान भी हासिल कर लिया था। वहीं इस जीत के बाद जहां पाकिस्तान का सेमीफाइनल में जाना और भी मुश्किल हो गया है, तो भारत की मुश्किलें भी बढ़ती हुई नजर आ रही हैं। जिसकी वजह यह है कि भारत का अगला मुकाबला 2 नवंबर को बांग्लादेश से होना है और इस मैच में बारिश आने की संभावना जताई जा रही है। ऐसे में अगर बुधवार को होने वाले भारत बनाम बांग्लादेश मैच में बारिश आती है तो मैच में मिलने वाले पॉइंट दोनों टीमों में 1-1 बढ़ जाएंगे और इस तरह से पॉइंट टेबल में भारत 5 अंकों के साथ बांग्लादेश के साथ दूसरे स्थान पर आ जाएगा। अगर भारत के 5 अंक हो जाते हैं तो टीम इंडिया के लिए जिम्बाब्वे को हराना हर हाल में जरूरी हो जाएगा, क्योंकि ऐसा नहीं होने पर भारत के लिए सेमीफाइनल का रास्ता काफी कठिन हो सकता है, या यूं कहें कि भारत वर्ल्ड कप की रेस से बाहर हो सकता है। वहीं दोस्तों दूसरी तरफ भारत के विकेटकीपर बल्लेबाज दिनेश कार्तिक की पीठ में चोट लग गई है, जिसके कारण उनके अगले मैच में खेलने पर आशंका भी जताई जा रही है। अगर कार्तिक टीम इंडिया से बाहर हो जाते तो टीम इंडिया के लिए यह भी एक बड़ा झटका होगा। कार्तिक की जगह अगर पंत को मौका मिल भी जाता है तो पंत अभी तक इस टूर्नामेंट में 1 भी मैच नहीं खेले हैं, जिसके चलते बांग्लादेशी जैसी खतरनाक गेंदबाजी के आगे पंत का टूर्नामेंट में पहला मैच खेलना काफी अहम होगा। फिलहाल दोस्तों अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या इन सभी मुश्किल परिस्थितियों से निकलकर टीम इंडिया T20 वर्ल्ड कप के सेमीफाइनल में पहुंच सकती है या नहीं, यह देखने वाली बात होगी। दोस्तों आप भी इस संबंध में अपनी राय कमेंट जरूर करें।